विरप्पन चंदन की लकड़ी ते हाथी के दंदा का वह तस्कर जिन्हें पूरे देश में सवालों के घेरे च लिया सुरक्षा तमिलनाडु ते कर्नाटक की सरकार वक्त पा दिता। एक वो तस्कर जी ते जिंदा जा मुर्दा फड़न की 5 करोड़ की राशि लानी गई। उसने बड़े बड़े सुपरस्टार का अपहरण किया, 100-100 दिन तो ज़्यादा आपके कोल रखे। जो उसकी पत्नी की मनीए तो उसकी पत्नी कहती है कि वरप्पन एक बहुत ही वधिया ते एक अच्छा पिता सी। जो उसकी शादी की गल करिए मनना है कि वरप्पन दियाँ जो मुच्छां सीगियां जां उसकी बदनामी की छवि उसनूं अच्छी लगी कि उसने विआह करा लिया। ये गल्लां नूं आपां थोड़ा गंभीरता नाल लईए तां उत्थे इक गल होर भी निकलती है। वह कहिंदे वी जुर्म की दुनिया विच वरप्पन इस तरह नहीं गया, उसनूं पुलिस ने धकेलिया। 12 साल की उम्र के उसनूं ऐसे एक अनहोनी का सामना करना पिया, जैसे धक्के का सामना करना पिया कि उसनूं कुत्ते की संगली ना बन दिता गया, क्योंकि वो एक इल्जाम सीगा कि उन्हें हाथी के दंद नूं कट लिया ते उसनूं बेचता। उस तो बाद जुर्म की दुनिया चला गया ते इत्थों दी जुर्म की कहानी शुरू होती है। आओ असीं वरप्पन की पूरी जिंदगी की कहानी नूं जानने की कोशिश करते हैं जानकारियों के हवाले। वरप्पन का जन्म करनाटक के पिंड गोपीनाथम के होया 18 जनवरी 1952। बचपन चा नाम सीगा मौलाकाई वरप्पन भी कहा जाता रहा। समय के नाल ज्यों ज्यों वड्डा होया तां पूज मुनि स्वामी वरप्पन के नाम नाल जाने जाण लगे। तो बचपन के गुजरते गुजरते कुछ हालात ऐसे बने कि वह जुर्म की दुनिया चला गया। उसने फिर अपने इलाके दे विच जिहड़े मुकाबलन ग्रोह सीगे उस शामिल होया। उदों फिर उहदे आप दे किसी एक साथी की मदद लैके उत्थों दे ग्रोह दे मुखी नूं कतल कर दिता। इस तरह जुर्म की दुनिया का यह सफ़र वरप्पन का शुरू हुंदा है। इस तो अगली गल आपां करदे वरप्पन के पिंड वालों की मनीए तो वरप्पन एक सधारण आदमी सी, जिस तरह पिंड के बंदे हुंदे ने, पर उन्हों इस जुर्म की दुनिया के मनते हैं कि पुलिस ने धकेलिया, उन्होंने पुलिस के आप देख मुफाज होने ने। जदों इस खेड का शिकारी बन गया तो उस बाद उस पुलिस ने उसनों मारन तरकीबा बनाया शुरू कर दी। तो पिंड वाले एक होर भी दोष है, जदों भी उसनों वरप्पन बारे पूछा जाता पिंड वाले आके तो वह कहते हैं कि जो भी पूछता वह कहता वो स्कैंडल बारे गल करते, हाथी दंद की तस्करी वाली गल करते, चंदन की लकड़ी की तस्करी बारे गल करते हैं, पर वरप्पन वरप्पन किमें बनया इस बारे कोई नहीं जानना चाहता। उन्हों का कहना है कि वरप्पन नूं तस्कर वरप्पन बनाउण दे विच पुलिस का बहुत वड्डा हाथ है। ये किन्ना सच है जां तां ये पुलिस जानती है ते जां वरप्पन दे घर दे जानते हैं जां पिंड वाले जानते हैं, क्योंकि पिंड वाले वरप्पन का बहुत सत्कार करते सी, क्योंकि उन्हें कदे भी अपनी पावर का दुरुपयोग पिंड वाले वास्ते नहीं किया। मन्या जाता कि 1962 दे विच उसने पहला जुर्म किया जिसनों कहा जा सकता है कि एडा वड्डा जुर्म सी कि एक ग्रोह के मुखी का कतल। तस्कर गरिया के कतल तो बाद 1970 दे विच वरप्पन शिकारियों के ग्रोह के शामिल हो गए। हौली हौली वह चंदन की तस्करी ते हाथी दंदा की तस्करी का माहिर हो गया। एक हाथी नूं मारना उहदे खब्बे हाथ की खेड बन गया सी। इस तरह पुलिस नाल उहदी लुकण मिट्टी की खेड शुरू हो गई। जो भी पुलिस अधिकारी उहदी अड़िका बनता उन्होंने मार दिया। 1983 के वण अधिकारी उहदे काम के बड़ा अड़िका बन रहा है, उसनों उन्हें मार दिता। उसनों कल्ले नूं नहीं मारिया, उहदे सहयोगी नूं भी मार दिता। जे आपां 1986 की गल करिए, 86 दे विच पुलिस ने उन्हें फड़ लिया, एक वण विभाग के गैसट हाउस के बंदी बनाया और उतों भेद भरे हालातों में वरप्पन फरार हो जाता है। 1987 की गल करिए 87 के वण अधिकारी चिदंबरम को अगवा किया जाता है, तो अगवा करने के बाद जो उसकी गल पूरी नहीं मनी जाती तो उसनों भी मार दिता जाता। पुलिस अधिकारी चिदंबरम अगवा किया, अगवा करने तो बाद मार दिता, उसका कतल कर दिता। इस तो बाद तमिलनाडु तो कर्नाटक की जिहड़ी पुलिस है वह एक्टिव हो गई, सतर्क हो गई। इन्ना ही नहीं कि 1990 के 3 होर अधिकारियों को अगवा किया, उन्होंने मार दिता। इस तो बाद भारत सरकार भी एक्टिव हो गई, एक टास्क फोर्स बनाई। 1991 वरप्पन की इन्नी क्रूरता बढ़ गई कि IAS अधिकारी श्रीनिवासन अगवा किया तो उन्होंने इस इन्ने क्रूर तरीके मारिया कि उसका सिर धड़ना अलग कर दिता। फिर वो ग्रेनाइट खान के मालक
ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਫਰੌਤੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੱਪਨ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੱਪਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਲ 1993 ਐਸਾ ਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੱਪਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲਨ ਰੈਂਬੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੱਪਨ ਬਾਲ ਬਾਲ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਿੱਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਰੱਪਨ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਵਿਸਫੋਟ ਨਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ 20 ਨਾਗਰਿਕ ਮਰ ਗਏ, ਅਤੇ STF ਦੇ 6 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ STF ਅਤੇ BF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 9 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੱਪਨ ਦੇ, ਅਤੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੱਪਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਮੰਥਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮੁਖਬਰ ਅਤੇ 19 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੱਪਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਲ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਵਣ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੱਪਨ ਦੇ ਗਰੋਹ ਵਾਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰ ਨੇ, ਉਹ 11 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 11 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ 1000 ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਰੱਪਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੱਪਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, 20-25 ਗੈਂਗ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਗੱਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੱਪਨ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੱਪਨ 'ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ। ਵਿਰੱਪਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 184 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 97 ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, 2002 ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1000 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਅਰਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਲ 2003 STF ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੱਪਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੱਪਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋਕਲ ਮਿੱਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਵਿਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੱਪਨ ਕਰਨਾਟਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦਾ। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ
फैसला को नजर नहीं आती। 109 दिन पूरे 109 दिन राजकुमार को रखा जाता है ते पर उस तो बाद कोई भी फैसला करे तो बगैर उसको छड़ दिता जाता। 18 अक्टूबर 2004 वीरप्पन अपनी अख का इलाज कराने निकलता है पिंड पतिया पुट्टी के नाँ के निकलता वह प्लान होंगे योजना होंगी है तो जिहड़ी एंबूलेंस में उन्हें जाना होंगे पहला सारा अरेजमेंट किए होंगे पर इस तो भी अगे टास्क फोर्स के मुखी विजय कुमार अपनी रणनीति जिहड़ी एंबूलेंस वीरप्पन ने जाना होंगे वो ड्राइवर चेंज करके अपना ड्राइवर फिट कर देता है। वो ड्राइवर इन्ना को मिल जाता कि वीरप्पन ग्रोह के जोड़े बंदे होंगे उन्होंने दोस्ताना माहौल रहन लगता है। वीरप्पन आता एंबूलेंस बैठता है ज्यों ही तय जी जगह तय की होंगी है पुलिस वालों कि उत्थे रुकना उत्थे ड्राइवर एंबूलेंस रोकता है तो वह निकल के भज जाता है। भजन तो बाद जो ग्रोह के बंदे होंगे वीरप्पन के उन्होंने भी शक हो जाता भी धोखा होया तो दोनों पासों फायरिंग शुरू हो जाती है। इस भजन के मनिया तो नहीं जाता कि वह बच जाता पर ड्राइवर बच गया फायरिंग चलती है फायरिंग तो बाद वीरप्पन मारिया जाता है। मारन तो बाद एक गल निकलती है कि पुलिस फोर्स ने उसनू चेतावनी नहीं दी सरेंडर करने नहीं कहा सिर्फ तो सिर्फ एनकाउंटर करने के इरादे उसनू मारिया ही गया पर पुलिस की लिखी रिपोर्ट के मुताबिक यह होंगे कि पहला उन्होंने चेतावनी दी चेतावनी तो बाद उन्होंने कोई ग्रोह वाले ने कोई गल नहीं सुनी उधरों फायरिंग होने लग गई जवाबी फायरिंग के वीरप्पन मारिया गया। तमिलनाडु की टास्क फोर्स विजय कुमार की अगवाई के वीरप्पन मारन वाले ऑपरेशन कोकन से महीनों तो कम कर रहे थे। इसकी खबर मिलते ही पिंड गोपीनाथन के लोगों ने पटाके चलाए तो खुशी मनाई तो तमिलनाडु सरकार ने इस पिंड को टूरिज्म लिए राखवा कर दिया। पिंड मलाकड़ू के पुलिस फोर्स वीरप्पन का अंतिम संस्कार करना चाहती थी हिंदू रीति रिवाजा अनुसार पर वीरप्पन के रिश्तेदार के दबाव के कारण उसनू दफनाया गया। ये एक अंत वीरप्पन का हुंदा ये सारी जानकारी असी दर्शकों नाल सांझी की थी। असी जिहे एक होर नवी शख्सियत वो जुर्म नाल जुड़ी है जां एक खास मोटीवेशन नाल जुड़ी है फिर कोई नवी कहानी लैके मिलते हैं। लगातार देखते रहो स्क्रोल पंजाब।